आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी प्राचीन विधि के बारे में बताऊंगा जो आपको आपके असल स्वरूप से मिला देगी। इस प्राचीन विधि को विज्ञान भैरव तंत्र से लिया गया है। इस ग्रंथ के रचयिता स्वयं भगवान शिव को ही माना गया है। यह कोई सामान्य पुस्तक या सामान्य ग्रंथ नहीं है। इसमें टोटल 112 विधियां हैं और ये विधियां सबसे प्राचीनतम या सबसे पुरानी हैं। ये विधियां इतनी प्राचीन होने के बावजूद अत्याधुनिक भी हैं, क्योंकि उनमें कुछ मिलाया नहीं जा सकता, आप उनमें कुछ जोड़ नहीं सकते, वो अपने आप में ही संपूर्ण है और नवीनतम है। इन सभी 112 विधियों में सभी संभावनाओं का समावेश है। अपने मन को शुद्ध कैसे रखा जाए, हमारे मन का मैकेनिज्म क्या है, मन किस तरह से काम करता है, इन सबका विज्ञान आपको इस विज्ञान भैरव तंत्र में मिल जाएगा। ध्यान की इन 112 विधियों से मन के रूपांतरण का पूरा विज्ञान निर्मित हुआ है। तो इन 112 विधियों में से हम एक विधि को समझने की कोशिश करेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि इस विधि को समझने के लिए आपको अपनी बुद्धि को केवल एक यंत्र के भांति इस्तेमाल में लाना है, क्योंकि आध्यात्म की बहुत सी सूक्ष्म बातें बुद्धि के माध्यम से नहीं समझी जा सकती। तो बुद्धि को केवल एक यंत्र के भांति इस्तेमाल करना है। अगर इन विधियों को समझते समय आपकी बुद्धि तर्क वितर्क करेगी तो आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। जब आप इन वीडियो को सुनेंगे तो खाली होकर ही सुनना, अर्थात आपने अब तक जो भी ज्ञान इकट्ठा किया है उसे किनारे रख देना। ये विधियां किसी धर्म की नहीं है। तंत्र और योग में बताई गई सभी विधियां एक विज्ञान है जो समस्त मानव जाति के लिए है, अर्थात इस विज्ञान का लाभ कोई भी उठा सकता है। ये भगवान शिव का वो गुप्त ज्ञान है जिसे स्वयं माँ पार्वती ने शिव के माध्यम से ग्रहण किया था। और आज भी अगर कोई व्यक्ति इन सभी विधियों को ठीक से ग्रहण करता है और इन क्रियाओं को अपने जीवन में उतारता है तो वो स्वयं ही शिवमय हो जाता है। तो विज्ञान भैरव तंत्र माँ देवी पार्वती के प्रश्नों से शुरू होता है। देवी पार्वती ऐसे प्रश्न पूछती हैं जो दार्शनिक मालूम होते हैं, परंतु शिव उनका उत्तर सीधे सीधे नहीं देते। माँ पार्वती शिव से पूछती हैं, प्रभु आपका सत्य क्या है? तो भगवान शिव इस प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर ना देकर एक विधि देते हैं। अगर स्वयं मां पार्वती इस विधि से गुजर जाएं, तो वो उत्तर पा लेंगी। यहां डायरेक्ट शिव नहीं बताते कि वो कौन है, वो केवल एक तरीका बताते हैं, अर्थात तंत्र देते हैं, एक विधि। तंत्र के मार्ग पर करना ही जानना है। तो चलिए भगवान शिव द्वारा बताया पहला सूत्र समझ लेते हैं। शिव कहते हैं, हे देवी, यह अनुभव दो सांसों के बीच घटित होता है। श्वास के ठीक भीतर जाने के पश्चात और श्वास के ठीक बाहर निकलने से पूर्व यानी पहले। विज्ञान भैरव तंत्र की आरंभ की 9 विधियां श्वास क्रिया से ही संबंध रखती हैं। इसलिए हम पहले श्वास क्रिया के विज्ञान को थोड़ा समझ लें, उसके बाद हम विधि में आगे उतरेंगे। हम जन्म से मृत्यु तक निरंतर श्वास लेते रहते हैं। श्वास लेने के इन दो बिंदुओं के बीच सब कुछ बदल जाता है, निरंतर बदल ही रहा है। हमारे शरीर में भी प्रतिपल सब कुछ बदल रहा है। यहाँ बदले बिना कुछ भी नहीं रहता, हर पल परिवर्तन चल रहा है। जन्म और मृत्यु के बीच श्वास क्रिया अचल रहती है। एक बच्चा जवान होगा, जवान बूढ़ा होगा, बूढ़ा बीमार होगा, उसका शरीर रुग्ण और क्रूप होगा, शरीर में सब कुछ बदल जाएगा। यहाँ केवल भौतिक शरीर ही नहीं बदलता, परिवर्तन निरंतर हमारी भावनाओं में भी होते रहते हैं। हम कभी सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं। आपकी सांसें आती जाती रहेंगी और सब कुछ बदलता रहेगा। श्वसन क्रिया एक सतत प्रवाह है। ईश्वर ने श्वास लेने का अधिकार आपको नहीं दिया, क्योंकि अगर सांस आपकी मर्जी से चलती तो आप श्वास लेना भूल भी सकते थे। अगर कोई व्यक्ति एक क्षण के लिए भी श्वास लेना भूल जाए तो वह समाप्त हो जाएगा। यही कारण है कि प्रकृति ने तुम्हें श्वास लेने का या श्वास छोड़ने का अधिकार नहीं दिया, नहीं तो मुसीबत हो जाती। इसलिए यथार्थ में तुम श्वास नहीं लेते हो, क्योंकि श्वास लेने में तुम्हारी जरूरत नहीं है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जब तुम गहरी नींद में होते हो, नींद में तुम सब कुछ भूल जाते हो, तुम्हारा घर परिवार तुम्हारा नाम सब कुछ, परंतु श्वास निरंतर चलती रहती है, श्वास लेना तुम नहीं भूलते, क्योंकि यह क्रिया तुम कर ही नहीं रहे। ये श्वासें तुम्हारे व्यक्तित्व का एक अचल तत्व है। इसलिए भारत ने श्वास को एक बहुत अच्छा नाम दिया, प्राण। प्राण का अर्थ है जीवन शक्ति, जीवन ऊर्जा, अर्थात तुम्हारा जीवन तुम्हारी श्वास है। दूसरी बात यह है कि श्वास आपके और आपके शरीर के बीच एक सेतु है, और यही निरंतर चलती हुई सांस
आपको आपके शरीर से जोड़े रखती है। यही श्वास आपके और इस जगत के बीच का एक सेतु है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, हमारा ये जो शरीर है इस संसार का या इस जगत का ही एक अंग है, अर्थात हम इस भौतिक जगत का ही एक हिस्सा हैं। यानी जिस प्रकार हमारी श्वास हमारे शरीर के बीच का एक सेतु है, उसी प्रकार इस भौतिक जगत के बीच का भी सेतु है जो निरंतर हमें इस जगत से जोड़े रहता है। और अगर यही श्वास टूट जाए, अर्थात ये सेतु टूट जाए, तो तुरंत तुम्हारा संबंध इस शरीर से टूट जाता है, साथ ही इस जगत से टूट जाता है, और फिर तुम किसी अज्ञात आयाम में चले जाओगे। इसलिए ये श्वास तुम्हें तुमसे जोड़ती है और इस जगत से जोड़ती है। इस श्वास के बीच के दो छोर हैं, जहां वह आपके शरीर और इस भौतिक जगत को छूती है, और दूसरा छोर वो छोर है जहां वो विश्वातीत को छूती है। इसलिए एक सामान्य व्यक्ति श्वास के एक ही छोर से परिचित होता है जब वह विश्व में यानी शरीर में गति करती है, लेकिन आपको नहीं पता होगा यही श्वास शरीर से अशरीर में भी गति करती है। अगर आप दूसरे बिंदु को जान जाओ, फिर तुम एकाएक रूपांतरित होकर इस भौतिक जगत और भौतिक शरीर में रहते हुए एक दूसरे ही आयाम में पहुंच जाओगे। लेकिन याद रखो, शिव जो कह रहे हैं वो योग नहीं है, तंत्र है। हालांकि योग भी श्वासों पर काम करता है, परंतु योग और तंत्र में एक बुनियादी फर्क है। योग में श्वास क्रिया को व्यवस्थित करने की क्रियाएं हैं, यानी कुछ ऐसी टेक्निक्स जिसमें अपनी आती जाती सांसों पर थोड़े से बदलाव करके उन्हें व्यवस्थित करके हम अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाते हैं, भौतिक शरीर में कुछ लाभ उठाते हैं, परंतु तंत्र का इससे कुछ लेना देना नहीं है। मैंने पहले अपनी जितनी वीडियो में श्वासों के बारे में बताया है वो योग की क्रियाएं हैं, जिसमें मैंने बताया था कि सांसों में थोड़े बहुत हेर फेर करके उनके रिदम को उनके पैटर्न को बदलकर आप एक अच्छा स्वास्थ्य पा सकते हैं, लंबी आयु पा सकते हैं, इंस्टेंट मूड चेंज कर सकते हैं। पर तंत्र के मार्ग पर श्वसन क्रिया की व्यवस्था की चिंता नहीं करता। श्वास जैसी है वैसी है, उसमें कुछ नहीं बदलना, बस जैसी सांसें चल रही हैं उन्हीं सांसों के माध्यम से भीतर प्रवेश करना है। तंत्र क्रिया में एक साधक को विशेष सांस का अभ्यास नहीं करना चाहिए। यहाँ प्राण को लयबद्ध नहीं बनाना है, बस श्वासों के विशेष बिंदुओं के प्रति बोधपूर्ण होना है। आती जाती श्वास के कुछ बिंदु हैं जिन्हें हम नहीं जानते। हम श्वास तो निरंतर लेते हैं, पर श्वास के उन दो बिंदुओं से अभी तक हम अपरिचित हैं। श्वास के यही दो बिंदु द्वार हैं, जो तुम्हारे सबसे निकटतम के द्वार हैं, जिनसे होकर तुम एक दूसरे ही आयाम में प्रवेश करोगे। यह बिंदु आपको ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ने का कार्य करते हैं। ये दोनों बिंदु आपके इतने निकटतम हैं, और जो चीज हमारे जितनी निकट होती है उसे समझना हमारे लिए उतना ही मुश्किल होता है। ये सांसें आपके इतने निकट हैं कि उसके बीच कोई स्थान ही नहीं है, या इतना कम स्थान है जिसे देखने के लिए आपको सूक्ष्म दृष्टि चाहिए, तभी आप उन बिंदुओं के प्रति होशपूर्ण हो सकते हो। भगवान शिव उत्तर में विधि का आरंभ करते हैं, हे देवी, ये अनुभव दो श्वासों के बीच घटित हो सकता है। सांस के ठीक भीतर जाने के पश्चात और श्वास के लौटने के ठीक पूर्व, यही वो गुप्त ज्ञान है। भगवान शिव कहते हैं, जब श्वास भीतर अथवा नीचे की ओर आती है, उसके बाद ठीक श्वास लौटने के पूर्व एक छोटा सा अंतराल है, एक ठहराव, और जब श्वास बाहर आती है तब वहां पर भी इसी प्रकार का एक अंतराल है। इन दोनों बिंदुओं के बीच होशपूर्ण होने से घटना घट जाती है। जब आपकी सांस भीतर आए तो उसका निरीक्षण करो। उसके बाहर आने से पहले एक क्षण के लिए या क्षण के हजारवें हिस्से के लिए जहां श्वास बंद हो जाती है, ऐसे ही जब यह श्वास बाहर आएगी वहां पर भी एक बिंदु पर ठहर जाएगी। तो श्वास के भीतर या बाहर आने से पहले जो एक छोटा सा क्षण है वही ये दो बिंदु है। जहां आप श्वास नहीं लेते उसी क्षण में घटना घटनी संभव है, क्योंकि आप ध्यान देना, जब हम सांस नहीं लेते तो हम संसार में नहीं होते, यानी जब हम सांस नहीं लेते तब हम मृत हैं। लेकिन ये क्षण इतना छोटा है कि तुम उसका अनुभव कभी कर ही नहीं पाते। अर्थात तंत्र में हर एक बाहर आती हुई सांस वहां एक मृत्यु का क्षण है, और हर एक भीतर जाती हुई सांस जहां पुनर्जन्म है। इसलिए प्रत्येक श्वास के साथ आप मरते हो और प्रत्येक भीतर जाती हुई सांस के साथ आप जन्म लेते हो। इन दोनों के बीच का अंतराल बहुत ही क्षणिक है, जिसे पैनी दृष्टि और होशपूर्ण होकर ही अनुभव किया जा सकता है। और अगर आप उस अंतराल का अनुभव कर सको तो भगवान शिव कहते हैं, तुम्हें सत्य उपलब्ध है।
इसके बाद तुम्हें और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तब तुमने वो जान लिया जो परम सत्य है। श्वास का परीक्षण मत करना, वो जैसी है उसे वैसे ही चलने देना है। सत्य को जानने का अर्थ है वो जानना जिसका ना तो जन्म है ना मृत्यु है। अक्सर हम सांसों के प्रयोग में भीतर जाती सांसों को देखते हैं और बाहर आती सांसों को देखते हैं, परंतु अंदर बाहर आती जाती सांसों के बीच में जो ये अंतराल है, जो ये बिंदु है, हम उन्हें कभी नहीं देख पाते। बस उस बिंदु पर ही ध्यान को लेकर आना है। शुरुआत में ये दोनों बिंदु आपको नहीं मिलेंगे, पर प्रयोग करते करते आपको इन बिंदुओं की झलकियां मिलने लगेंगी। तो प्रयोग कैसे करना है? पहले भीतर जाती हुई सांस के प्रति होशपूर्ण बनो, उसे देखो, यहां सब कुछ भूल जाओ, संसार भूल जाओ, और फिर वापस लौटती हुई सांस के प्रति होशपूर्वक हो जाओ। जब आप श्वास लोगे तो आप महसूस करोगे कि आपकी श्वास आपके नासापुटों को टच करती हुई, उसे स्पर्श करती हुई आपके भीतर जा रही है। जैसे ही आपकी सांस आपके नासापुटों को स्पर्श करे और फिर गले को स्पर्श करते हुए भीतर जाए, बस अभी इतना होश साध लो। जब यह श्वास बाहर आएगी तब बाहर आती हुई सांस का अनुभव आपको अपने गले से होगा, अर्थात श्वास आपके गले को स्पर्श करती हुई वापस आपके नासापुटों को स्पर्श करते हुए बाहर आएगी। बस उसे महसूस करो। शुरू में आप इसे अपनी नाक के नासापुटों पर ही महसूस करोगे, फिर गले में महसूस करोगे। जब आपकी श्वास इससे नीचे उतरेगी तब वो अनुभव आपको आसानी से नहीं होगा, परंतु जब आप बोधपूर्वक होशपूर्वक अपनी आती जाती सांसों के साथ यात्रा करते हो तब आप अपनी गहरी सांस का भी अनुभव कर पाओगे। बस आपको याद रखना है, श्वासों के साथ यात्रा करते समय उसके साथ तालमेल मिलाकर ही चलना है। आपको श्वास की गति से ना तो तेज निकलना है और ना ही स्लो होना है। बस जैसी सांस चल रही है उसी गति के साथ प्रवेश करो, ध्यान पूर्वक प्रवेश करो। अपनी श्वास और बोध को एक हो जाने दो और फिर तुम उस बिंदु को पालोगे जो दो श्वासों के बीच में है। ये विधि आपको आसान लग रही होगी, परंतु ये आसान नहीं है, ये एक लंबी साधना है। बस इसे निरंतर करते रहो, घटना घट ही जाएगी। भगवान बुद्ध ने इसी विधि के माध्यम से बुद्धत्व प्राप्त किया था, जिसे बुद्धिज्म में अनापान सति ध्यान कहा जाता है, या इसे बौद्ध विधि भी कहा जाता है। परंतु ये विधि बुद्ध से भी प्राचीनतम विधि है। बुद्ध ने तो केवल इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया और फिर ये बन गई अनापान सति ध्यान विधि या बौद्ध विधि।